हमारे देश के लिए मेडल लाने वाले लोग सड़कों पे उतर गए हैं, हमारे आंखों के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज के बाद कोई भी रेसलर इंडिया के लिए मेडल नहीं ला पाएगा। आखिर क्या हुआ कि इन रेसलर को सड़कों पे उतरना पड़ा? इन लोगों का कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज भूषण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर को सेक्सुअली हैरेस किया है, जिसमें से एक तो माइनर थी। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं पूरी कहानी को। मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। ब्रिज भूषण सिंह जो कि बीजेपी के एमपी हैं, पर वो बीजेपी के पहले समाजवादी पार्टी के एमपी थे। ब्रिज भूषण सिंह जब इलेक्शन में खड़े होती हैं तो उनके सामने कितने भी अपोजिशन कैंडिडेट आ जाएं, लेकिन ब्रिज भूषण सिंह का जीतना तय है। इसीलिए ब्रिज भूषण सिंह को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि हर पार्टी को ब्रिज भूषण सिंह की जरूरत है। ब्रिज भूषण सिंह 2012 में WFA के प्रेसिडेंट बने, और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया बाकियों के मुकाबले। द ललन टॉप के इंटरव्यू में ब्रिज भूषण सिंह ने खुद बताया है कि मैं एक आदमी का मर्डर कर चुका हूँ। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिज भूषण सिंह के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ब्रिज भूषण सिंह के ऊपर कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, वो बाहर आ ही जाते हैं। कभी एविडेंस सामने नहीं आता तो कभी गवाही देने वाले लोग कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ब्रिज भूषण सिंह कितना ही ज्यादा पावरफुल आदमी है। ये थी कहानी ब्रिज भूषण सिंह की, और अब हम बात करेंगे आखिर ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग चाह क्या रहे हैं। पर उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, और उस मेहनत के लिए हमें बस चाहिए आपका लाइक और सब्सक्राइब। जो रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब के सब हरियाणा के एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वो सब के सब हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडल लाए हैं। हम सभी को, सभी इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करवाए हैं। ओलंपिक में जीतने के बाद हर रेसलर के आंखों में आंसू होता है, खुशी के आंसू। लेकिन आंसू तो अब भी है, लेकिन वो खुशी के नहीं बल्कि अन्याय के कारण। इन रेसलर का कहना है कि ब्रिज भूषण सिंह ने करीब 1000 लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस किया है, जिस वजह से ब्रिज भूषण सिंह को प्रेसिडेंट्स के पद से हटाकर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिन लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस किया गया वो सामने नहीं आ सकती है, इसलिए उनका आवाज हम लोग उठा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जैसे ही अप्रैल में दोबारा शुरू हुई, वैसे ही अपोजिशन पार्टी के लीडर आते हैं और इस मामले पे अपनी राजनीति चर्चे करते हैं। कोर्ट में इसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये केस सच साबित होते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और यदि ये केस गलत साबित होते हैं तो वो लड़कियां जिनके साथ पास्ट में सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उनके लिए न्याय का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दैट्स इट। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।